जी हाँ नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान का विस्तार चैनल। और आज का दोस्तों ये वीडियो होने वाला है बहुत ही कुछ खास, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओप्पो F9 Pro मोबाइल फ़ोन के बारे में। ये आप फ़ोन कहाँ से ले सकते हैं, आपको ये फ़ोन कब मिलेगा, इस फ़ोन के बेसिक फीचर्स, कैमरे के बारे में, प्रोसेसर और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर इस फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में बात करें तो ये फ़ोन के अंदर आपको 6.3 इंच का डिस्प्ले मिलता है और साथ ही इसके अंदर वाटर ड्रॉप स्क्रीन भी मिलती है कंपनी के द्वारा। दोस्तों इस फ़ोन के वेट की बात करें कि इस फ़ोन का वज़न कितना है, तो इस फ़ोन का वज़न लगभग दोस्तों 169 ग्राम है। 69 ग्राम मतलब काफ़ी फ़ोन हल्का और स्लिम होने वाला है। अगर दोस्तों प्रोसेसर की बात करें कि इसमें कौन सा प्रोसेसर है, तो दोस्तों इसमें 2 GHz का अपका कोर प्रोसेसर कंपनी के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। कैमरे की बात करते हैं, अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसका फ्रंट कैमरा जो है वो 25 MP का आपको फ्रंट कैमरा मिलता है। ये सेल्फी प्रेमी जो कि सेल्फी के लिए बहुत ज़्यादा, जिनको सेल्फी पसंद है लेने खुद की, उनके लिए ज़्यादा काफ़ी अच्छा होने वाला है फ़ोन, क्योंकि 25 MP कैमरा, दोस्तों सोचिए कितना अच्छा होगा कैमरा इस फ़ोन का। और अगर वही रियर कैमरे की बात करें तो दोस्तों रियर कैमरा आपको डुअल रियर कैमरा मिलता है, जिसमें कि एक कैमरा है जो कि 16 MP का है और उसके साथ में जो दूसरा कैमरा है वो है 2 MP का दोस्तों। और उसके साथ में आपकी फ़ोटो को और बेहतरीन बनाने के लिए फ्लैशलाइट भी दी गई है कंपनी के द्वारा। दोस्तों अगर रेजोल्यूशन की बात करें हम, तो इसमें आपको 1080x2340 pixels के रेजोल्यूशन मिलती है कम मोबाइल फ़ोन के अंदर। दोस्तों अगर आगे चलते हैं, अगर हम रैम की बात करें तो इसके अंदर आपको 6 GB रैम मिलता है और विद 6 GB रैम तो है ही दोस्तों, और साथ में ये ड्यूअल नैनो सिम कार्ड भी सपोर्ट करता है ये फ़ोन। मतलब आप सबसे छोटी सिम नैनो सिम वो 2 लगा सकते हैं इस फ़ोन के अंदर, काफ़ी अच्छा है। जैसे कि आजकल काफ़ी सारी कंपनियां ऑफ़र दे रही हैं, जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वोडाफोन आइडिया, तो कई सारे फ़ोनों में सिंगल सिम रहती है तो उससे काफ़ी नुकसान होता है, तो इस फ़ोन में ये आपको फ़ायदा मिल रहा है कि आपको डुअल सिम मिल रही है दोस्तों। अगर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो दोस्तों इसमें एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन है, एंड्रॉयड ओरियो आपको मिलता है इसके अंदर कंपनी द्वारा, जो कि सबसे अभी लेटेस्ट चल रहा है एंड्रॉयड ओरियो, वो आपको कंपनी के द्वारा इस फ़ोन में प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 64 GB का स्टोरेज इंटरनल स्टोरेज मिलता है, और अगर 64 GB एक तरह से बहुत ज़्यादा स्टोरेज है, लेकिन अगर आप इस स्टोरेज को बढ़ाना चाहते हैं तो आप 250 GB तक भी इसको आप स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं विद मेमोरी कार्ड सपोर्ट करता है दोस्तों। अगर वहीं आगे चलते हैं बैटरी की बात करें इस फ़ोन में, तो आपको 3500 mAh की बैटरी मिलती है। अगर इसकी हम प्राइस की बात करते हैं तो ओप्पो F9 Pro आपको 23,990 रुपये का मिलता है, मतलब 24,010 रुपये कम। और वहीं अगर ओप्पो F9 की बात करें तो वो आपको 19,990 रुपये का मिलता है, मतलब कि 20,010 रुपये कम। दोस्तों जैसा कि इस फ़ोन की लॉन्चिंग अभी हाल ही में 21 अगस्त को कंपनी द्वारा इंडिया में की गई, ये फ़ोन आपको लेकिन 31 अगस्त के बाद ही ऑफलाइन या ऑनलाइन मिल पाएगा। लेकिन हाँ, जो अगर आप इसको प्री ऑर्डर करना चाहते हैं, जिसकी डिलीवरी आपको 31 अगस्त के बाद होगी, तो आप इसको फ्लिपकार्ट पे प्री ऑर्डर कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन 31 अगस्त के बाद आपको ये बड़ी दुकानों पे ऑफलाइन बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा, या फिर अगर आप इसको ऑनलाइन बाय भी करना चाहते हो तो आप इसके लिए फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या फिर पेटीएम या फिर कहीं भी और बड़ी ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं इस फ़ोन को। दोस्तों अगर इसमें फ़ोन में सेंसर की बात करें तो इस फ़ोन में आपको सभी बेसिक सेंसर मिल जाते हैं, जैसे ई कंपास, लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जायरो सेंसर, एक्सीलरेशन सेंसर, ये सभी बेसिक सेंसर आपको बड़े ही आसानी से इस फ़ोन के अंदर मिल जाते हैं। और दोस्तों जो इस फ़ोन की खास 3 फीचर्स हैं जो कि कंपनी के द्वारा ज़्यादा प्रमोट किए जा रहे हैं, अगर उनके बारे में बात करें तो सबसे पहला है दोस्तों ये फ़ोन का कलर ऑप्शन। ये आपको 3 कलर ऑप्शन मिल जाता है, एक सनराइज रेड और स्टेरी पर्पल और ट्यू लाइट ब्लू, ये 3 कलर हैं दोस्तों, यानी कि रेड, पर्पल और ब्लू, इन 3 कलर ऑप्शन में आपको ये फ़ोन मिलता है। उसके बाद दोस्तों ये मीडियाटेक हेलियो P60 भी सपोर्ट करता है ये फ़ोन, दूसरा इसका मेन जो आकर्षण है। और दोस्तों इसमें जो वोको फ्लैश चार्जर दिया जा रहा है, उसकी मदद से अगर आप बैटरी को सिर्फ 5 मिनट चार्ज करते हैं तो आपका फ़ोन बैटरी लगभग 11% चार्ज हो जाएगी, जिससे कि आपको 2 घंटे का टॉक टाइम मिलता है।
और वहीं अगर आप इस फ़ोन को आधे घंटे चार्ज करेंगे तो आपकी बैटरी परसेंट लगभग 57% चार्ज हो जाएगी दोस्तों। और जो इसमें वोको फ्लैश चार्जर दिया गया है, इसको फ़ोन की लाइफ बैटरी लाइफ को बचाए रखने के लिए इसमें 5 लेयर प्रोटेक्शन दिया गया है कंपनी के द्वारा, ताकि वोल्टेज कहीं आउटपुट बढ़ने पे बैटरी को नुकसान ना पहुंचे। इसके लिए बैटरी को सेफ रखने के लिए इसमें 5 लेयर प्रोटेक्शन भी कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया गया। बाकी दोस्तों अगर हम इसमें बॉक्स की बात करते हैं तो इसमें बाकी जो नॉर्मल चीज़ें मिलती हैं सभी फ़ोनों के साथ वो आपको बॉक्स में देखने को मिलती हैं, जैसे कि सिम कार्ड इजेक्टर, बुकलेट विद वारंटी कार्ड, और साथ में दोस्तों मिलता है एक आपको अडेप्टर, USB केबल दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मुझे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।